दोस्तों मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लखनऊ का घंटाघर, जो काफ़ी फेमस है दोस्तों और एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है लखनऊ का। और दोस्तों अभी इस वक्त देख सकते हैं घंटाघर के सामने ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं घंटाघर के आसपास का सीन कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप देख सकते हैं साइड में आपको काफ़ी सारे पेड़ देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी अच्छी छाया रहती है। आप यहाँ पर फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं दोस्तों। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो घंटाघर के आसपास का सीन कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर जो है यहाँ पर बैठाए गए हैं और घंटाघर कुछ इस प्रकार का दिखता है दोस्तों। आज इसी को करेंगे एक्सप्लोर और आपको दोस्तों बताएंगे कि इस घंटाघर को किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था दोस्तों, और इसमें टोटल कितना खर्चा आया था दोस्तों, और किस नवाब ने बनवाया था दोस्तों। सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। वीडियो में आपके लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ के पहले आपको टूर कराते हैं, फिर उसके बाद यहाँ के हिस्ट्री बताते हैं इस घंटाघर के पीछे की दोस्तों। तो आपको साइड में आपको काफ़ी सारा देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ देखने को मिल जाएगा, जो एक खेल मैदान यहाँ पर बनाया गया है। और इसी खेल मैदान के जस्ट साइड में आपको एक घंटाघर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं घंटाघर यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। और साइड में आपको एक खेल मैदान का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैच वगैरह खेला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक ग्राउंड है, और ग्राउंड के साइड में आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पेड़ देखने को मिल जाएंगे, और साइड में आपको काफ़ी सारी दुकानें भी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ से आप जो है नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घंटाघर मौजूद है, जो हुसैनाबाद में मौजूद है, जो क्लॉक टावर के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो ऐसा यहाँ का आसपास का कुछ सीन है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पर दुकानें लगी रहती हैं, और शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों। यहाँ पर कई जो है टिकटॉक स्टार जो है यहाँ पर आते हैं दोस्तों, अपनी रील वगैरह बनाते हैं दोस्तों। तो फिलहाल ऐसे आसपास का कुछ सीन है। तो दोस्तों मैं चलिए आपको यहाँ के आसपास का और नज़ारा दिखाता हूँ, और इससे इतिहास से जुड़ी कुछ बातें भी बताता हूँ दोस्तों। तो फिलहाल ये घंटाघर है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नीचे के साइड कुछ इस प्रकार की इसमें नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बारीकी से यहाँ पर नक्काशी की गई है दोस्तों। तो चलिए इसके साइड वाले उस हिस्से में चलते हैं और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं और उससे जुड़ी कुछ बातें भी बताते हैं दोस्तों इतिहास की। तो आसपास का कुछ खेल मैदान का कुछ ऐसा सीन है दोस्तों, और यहाँ पर साइड में आपको दोस्तों एक पिक्चर गैलरी भी देखने को मिलेगी। अभी जो मैं उस साइड में चलूँगा तो आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तो अभी इस साइड से आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इसमें जो नक्काशी की गई है जो बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों बात करें कि इस घंटाघर की ऊँचाई कितनी है दोस्तों, तो जो है टोटल इसकी ऊँचाई जो है 221 फुट ऊंचा है दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर माना जाता है। तो आप देख सकते हैं खेल मैदान का कुछ इस प्रकार का सीन है, और सामने आपको जो देखने को मिल रहा है वो पिक्चर गैलरी है दोस्तों। और सामने आपको सतखंडा देखने को मिलेगा। सतखंडा 7 मंजिला का एक महल है दोस्तों, जो नवाब के द्वारा बनवाया गया था, पर उस समय में जो है 4 मंजिला ही बन पाया था। तो 2 मंजिला का काम रुक गया दोस्तों, क्योंकि जो नवाब थे उनकी डेड हो चुकी थी। तो आपको सामने दोस्तों एक पिक्चर गैलरी भी देखने को मिल जाएगी, और एक शाही बावली भी देखने को मिल जाएगी। इसे तालाब भी बोल सकते हैं और बावली भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार का बावली का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारी सीढ़ियां देखने को मिल जाएंगी, और सीढ़ियों के अंदर आपको इधर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर एक गुफा भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और इधर आपको दिखाऊँ तो ये जो है साइड में आपको क्लॉक टावर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो बहुत ही बेहतरीन नक्काशी के द्वारा बनाया गया है, जो अंग्रेजी वास्तविक कला के नमूना माना जाता है, एक बेहतरीन नमूना माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो धातुओं का प्रयोग किया गया है दोस्तों, बताया जाता है लंदन से मंगवाया गया था। जो ये घड़ी में आप देख सकते हैं 12 घंटा इसमें दिया गया है, जो उस समय में ये समय बताता था दोस्तों। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पर एक देख सकते हैं गुफा भी बनाया गया है। इस गुफे के अंदर आपको काफ़ी सारे रूम भी देखने को मिल जाएंगे और घर भी देखने को मिल जाएंगे, जो आज के समय भी इसके अंदर लोग रहते हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं घंटाघर का इतिहास और उससे कुछ जुड़ी बातें, और चलिए इतिहास के पन्नों को फिर से दोहराते हैं और आपको यहाँ की पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लखनऊ का घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर माना जाता है, जो हुसैनाबाद में स्थित है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कि इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है दोस्तों,
तो आप देख सकते हैं सामने ये बहुत ही ऊंचा घंटा घर यहाँ पर बनाया गया है। और इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ये जो है 221 फुट ऊंचा है दोस्तों। इस घंटा घर का निर्माण 1881 में नवाब नसीरुद्दीन हैदर के द्वारा इसको करवाया गया था दोस्तों। तो बात करें दोस्तों कि घंटा घर क्यों बनवाया जाता था, उस समय में जो है दोस्तों घंटा घर इसलिए बनाया जाता था कि उस समय में घड़ी सबके पास नहीं होती थी, तो इसीलिए घंटा घर बनाया जाता था जो पूरे शहर का समय बताता था दोस्तों। तो उसी समय के अनुसार सब लोग अपना काम करते थे दोस्तों। ये घंटा घर जो लखनऊ में स्थित है, इसे जो है सर जज कूपर के स्वागतम के लिए बनवाया गया था, जो अमेरिका के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दोस्तों। बात करें इस घंटा घर के ऊपर एक चिड़िया भी लगी है दोस्तों, इसका रहस्य क्या है, तो ये जो है हवा का रुख बताती है। बताया जाता है ये सोने की थी पहले, बाद में इसको अंग्रेजों ने उतार कर लेकर चले गए थे दोस्तों, या यहाँ पर दूसरे धातु को यहाँ पर लगा दिए थे। और बात करें इस घंटा घर में दोस्तों टोटल कितना खर्चा आया था, तो इसमें जो है टोटल 1,65,000 खर्चा आया था इस घंटा घर को बनवाने में, जो नवाब नसीरुद्दीन हैदर के द्वारा इसको बनवाया गया था दोस्तों। इतिहासकारों का मानना है कि इसमें जो धातु का प्रयोग किया गया है जो है लंदन से मंगवाया गया था, और जो नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने मंगवा कर इसमें लगवाया था। तो फाइनली दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।